मुदस्सर अजीज की फिल्म रिलीज हुई है दोस्तों, जिसका नाम है हैप्पी फिर भाग जाएगी, जो कि दर्शकों को पसंद आ रही है। क्रिटिक्स जहां पर थम्स अप दे रहे हैं, वही दर्शक अपना प्यार जता रहे हैं इस फिल्म के प्रति। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पहले दिन की, यानी कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में अपने पहले दिन 24 तारीख को इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म ने 2.70 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया है, जो कि बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है, स्पेशली नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है फिल्म। 2.70 करोड़ फर्स्ट डे अच्छी बात होती है, लेकिन जहां तक ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म जो है वीकेंड्स में धमाल मचाएगी, क्योंकि फिल्म में हर एक मसाला है, स्टोरी लाइन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है और पंचेस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और पीयूष मिश्रा साहब और अपने जिमी शेरगिल की कॉमेडी, वाह जी वाह। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि सैटरडे संडे को फिल्म कितना बिजनेस करती है। क्या इसका जो लगभग एस्टिमेटेड अमाउंट है, मतलब जितने में फिल्म बनी है, लगभग अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है 25 करोड़ का, क्या उसे क्रॉस कर पाएगी या नहीं। हालांकि पास में जो हैप्पी आई थी, यानी कि 2016 की हैप्पी भाग जाएगी आई थी, उसने तो क्रॉस कर लिया था और फिल्म बेनिफिट में ही गई थी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपने फिल्म देखी कि नहीं अभी तक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की अपडेट्स लाऊंगा मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर।